फ्रैंकल भैया ये देखो हम तो खेत में आ चुके हैं, अब हम क्या करें। फ्रैंकल भैया, अरे फ्रैंकल भैया थोड़ा देख के चलाओ यार, हमारे बाइक को क्यों ठोक रहे हो बार बार। फ्रैंकल भैया ये हम कहाँ आ चुके हैं, रात के 3 बज चुके हैं, लेकिन हम तो लगता है कि रास्ता भटक चुके हैं। अबे हाँ यार शिमचैन तू सही कह रहा है, और यार गाइस यार हम सब रास्ता भटक चुके हैं और हम यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, अंदर से चलता हूँ, और मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दे रहे और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं हम किसी ऐसे शहर में ना गए हों जहाँ पर भूत हो। तो गाइस ये देखो ये क्या हुआ, भाई साहब गाइस अब तक तो ठक्कर लग जाती और लग भी गई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से मुझे सीधे जाना पड़ेगा। अबे यार शिनचैन अब हम क्या करें यार, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं सीधा। अबे यार गाइस मुझे घर भी जा रहा है, लेकिन अभी तक हम घर पहुँचे नहीं है। फ्रैंकल भैया ये हम कहाँ आ चुके हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्रैंकल भैया ये देखो चांदनी रात हो चुकी है और यहाँ पर पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे हाँ यार शिमचैन तू सही बोल रहा है यार, मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। तो गाइस यार मेरे को तो पता नहीं कैसे क्या लग रहा है। ओ तेरी गाइस यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने चेक कर गया। चल यार शिमचैन तू फटाफट इस पे बैठ और हमें यहाँ पर से किसी ना किसी तरह से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो यार मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत भी आता रहता है और ये रास्ता पता नहीं कैसा है। लेकिन गाइस हम फटाफट जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से अगर हम हल्के से भी इधर उधर हुए तो भाई सब नीचे गिर जाएंगे। अबे तेरी गाइस गाइस ये क्या चीज है, ओ तेरी गाइस ये बंदा तो नंगा लग रहा है मेरे को, और ये हाथ में क्या ले रखा है, ये तो थोर का हथौड़ा लग रहा है, और ये क्या थानोस का इसने अपने हथियार भी ले रखा है, और ये सामने से कौन गया गाइस मुझे पता नहीं लग रहा। ओके गाइस यार ये तो मुझे मारने के लिए, तो भागो यार फटाफट चलते हैं। अबे शिमचैन यार फटाफट भाग, फ्रैंकल भैया जल्दी जल्दी भागो यार, ये सब हमें मार देंगे। फ्रैंकल भैया यहाँ मुझे बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही थी, मैं तो आपको पहले ही बोला था कि नहीं आना है, लेकिन आप ही आ गए। फ्रैंकल भैया एक काम करो अपनी गाड़ी को यहीं रखो। अबे हाँ यार शिमचैन ये क्या हुआ, हमारी जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं। अरे यार गाइस यार ये बोर्ड पे क्या लिखा है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। ओ तेरी गाइस यार ये कौन मार रहा है, भाई साहब गाइस ये बंदा कौन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये जो हाथों हाथ मुझे मारे जा रहा है। अबे रुक जा भाई साहब, तुझे अभी बताता हूँ मैं कि मैं कौन हूँ। अबे गाइस यार तुम देखो मैं कैसे इसका टंटा फोड़ता हूँ, पहले एक काम करता हूँ पेड़ के पीछे चिपका देता हूँ। अबे भाई साहब ये पीछे कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वे तेरी ये तो आगे था। चलो कोई बात नहीं, मारने की कोशिश करता, लेकिन गाइस यार इसको तो मैं मार ही नहीं पा रहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे यार इसको देखो मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा। ओके गाइस ओ तेरे अब जाके इसको चोट लगी, और अबे तेरी तो यहाँ पर नीचे गिर गया था, लेकिन ये उठा कैसे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस लिटरली। और तेरी गाइस ये जो हथौड़े वाला बंदा फिर से आ चुका है, इसके बाद है ना उसके वे, और इसको भी मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसको भी कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओ तेरी शिमचैन तुझे क्या हुआ, अबे यार शिमचैन मेरे भाई उठ जा यार, तेरे को क्या हुआ, और इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इन दोनों की वजह से मेरे भाई शिमचैन बेहोश हो चुका है। अब गाइस यार इनको तो मैं ही मारता हूं, ये ले बेटा ये ले। अबे कहां गए गाइस यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां चले गए इधर। अबे अबे तेरी ओ तेरी गाइस यार दोनों के दोनों गायब हो चुके, और तेरी और गाइस यार शिमचैन को क्या हो गया। अबे शिमचैन मेरे भाई तुझे क्या हो गया, तू बताना कुछ बोलना। गाइस मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने मेरे भाई शिमचैन को मार दिया है, लेकिन गाइस कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई शिमचैन को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। तो जो हमारी बाइक है वो खराब हो चुकी है, इसलिए मैं सामने मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहा है, तो मुझे हेलीकॉप्टर के पास जाना होगा और उस हेलीकॉप्टर को लाना होगा, तो मैं फटाफट जाके कोशिश करता हूँ। ओ तेरी गाइस यार मेरे को तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ओ तेरी गाइस यार मैं नीचे कैसे गिर गया, ओ तेरी ये तो पानी है यार। चलो कोई बात नहीं, पानी से निकलते हैं और चलते हैं फटाफट। तो गाइस फाइनली हम पानी से निकल चुके, ओ तेरी गाइस यार इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तो मैंने पहली बार देखा, और मुझे हेलीकॉप्टर चलाने भी नहीं आता, लेकिन शायद चलो गाइस फिर भी कोशिश करते हैं हेलीकॉप्टर चलाने की, लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ यार, हेलीकॉप्टर में चला नहीं पा रहा हूँ गाइस, इस पे बैठ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, तो मैं यार मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गाइस यार यहाँ पर कोई है भी नहीं जिसकी वजह से मैं हेलीकॉप्टर चला सकूँ, लेकिन गाइस यार यहाँ कोई हेलीकॉप्टर छोड़ के चला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, फटाफट जाके शिमचैन के पास जाता हूँ। शिमचैन मेरे भाई मैं आ रहा हूँ, तुझे किसी भी तरह लेके जाऊंगा, तू चिंता मत कर। शिमचैन को अगर तुम्हें बचाना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, अगर शिमचैन की जान प्यारी है तो। अरे यार गाइस यार ये पीछे से कौन बोल रहा है, अबे भाई साहब कौन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो यार फटाफट मैं शिमचैन के पास जाता हूँ कि शिमचैन कैसा है। अबे यार शिमचैन कहाँ है, शिमचैन मेरे भाई तू कहाँ पे है। गाइस मुझे लग रहा है कि हाँ वहाँ चला गया शिमचैन। अबे तेरी गाइस यार शिमचैन तो है ही नहीं, शिमचैन कहाँ चला गया। अबे भाई शिमचैन तो यहीं पर था ना अभी, अबे यहाँ पर तो शिमचैन है नहीं। शिमचैन को मैंने किडनैप कर लिया है, और शिमचैन की हालत मैंने ही खराब की है। फ्रैंकलिन तुम दोनों को मैंने रास्ता यहाँ से भटका दिया है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा शिमचैन को वापस कर दूंगा, नहीं तो तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे यार चाहे कुछ भी हो जाए तो
मैं जा रहा हूँ गाइस, मैं अपने भाई सिमचैन को ढूंढ के आऊंगा और ये जो बंदा है जो बोल रहा है इसको भी ढूंढूंगा, इसको मारूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये कौन है। तो गाइस यार ये हम कहाँ पे आ चुके, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, एक ही दम से मैं यहाँ पर स्पॉन हो चुका हूँ। तुम स्पॉन नहीं हुए हो, मैंने तुमको यहाँ पर लाया है, कुछ ही देर में तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर तुम्हें सिमचैन की जान बचानी है तब तुम्हें ये कार लेके भागना पड़ेगा, और जैसे ही तुम कार लेके भाग जाओगे वैसे ही तुम जीत जाओगे। अरे यार गाइस यार ये क्या यहाँ पर ये सब क्या पड़ा हुआ, और ये टंकी में क्या है, मेरे ख्याल से इसके अंदर तो पेट्रोल है। तो गाइस यार मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से गाइस यहाँ तेरे गाइस यार ये क्या चीज है, ये तो बारह सिंह है लेकिन इसके तो आग लगी हुई है। ओ तेरे गाइस यार मेरे ख्याल से उस भूत ने मुझे यहीं पर आके फंसा दिया है इस बारह सिंह के साथ, तो मुझे ऐसे भागना पड़ेगा नहीं तो ये मुझे जला देगा। तो गाइस यार ये क्या तो सारी आग लगा दिया, भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अभी, कभी जाकर सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तेरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाता और बसता हूँ, मेरे ख्याल से इस कार को बोला था कि कार लेके भागना है तभी मेरा भाई सिमचैन मुझे मिलेगा, तो मैं काम करता हूँ कार को लेके भागता हूँ। ओके गाइस यार यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा सीधा, और लेकिन मैं पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ओह भाई साहब ये क्या, मेरी कार तो पलट गई है और ये बारह सिंह तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो तेरे गाइस ये क्या हुआ, हमारी कार तो पानी अंदर चली गई, चलो मैं पलट मार लिया था। ओ भाई साहब ये क्या हुआ, ये क्या, ये बारह सिंह तो मेरे पीछे पड़ चुका है और ये मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ पानी के अंदर भाग जाता हूँ, पानी के अंदर ये खुद ही इसका जो सिंह है ये आराम से सुनसान तो जाएगा और ये बच भी जाएगा। लेकिन गाइस यार ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है, ये क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन है। भाई साहब मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ, उसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये उसको कुछ भी लग भी नहीं रहा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरा भाई सिमचैन कहाँ है, मेरे को अपने भाई सिमचैन की चिंता हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से फटाफट निकलता हूँ नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। हाँ तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से फटाफट भागता हूँ। ओके सो गाइस मैं फटाफट भाग के आ चुका हूँ। और तेरे गाइस ये सामने कौन है, अबे भाई साहब ये तो मेरे ख्याल से सिमचैन है, लेकिन सिमचैन ने कपड़े कैसे बदल लिए, अबे सिमचैन तूने कपड़े कहाँ से बदल लिए हैं। फ्रैंकली भैया मैं सिमचैन नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ पिंचैन, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अबे यार मैं तेरी मदद कैसे लू, क्यों है पता तू भी उस भूत से मिला हो और तू मेरे साथ कुछ ना कुछ करने आ रहा हो। अबे भाई साहब बता कि तू कौन है और कहाँ से आया है ये बता मुझे। जहाँ से सिमचैन आया है वहीं से मैं भी आया हूँ। उनके मम्मी डैडी ने कभी बताया ही नहीं कि उनका एक और भाई है जो कि सिमचैन जैसा दिखता है, मैं वही हूँ पिंचैन। अबे भाई साहब झूठ मत बोले यार तू, अच्छा एक चीज बता कि सिमचैन कहाँ है। फ्रैंकली भैया मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे पता है कि सिमचैन कहाँ है। अबे भाई साहब रुक जा यार, सिमचैन मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। ओके गाइस यार ये क्या, ये किसको मार रहा है, अबे सिम पिंचैन तू किसको मार रहा है बताना मुझे। फ्रैंकली भैया एक आत्मा है उसको आप फटाफट खत्म करो, उसके बाद मैं तुझे पूछ रहा कि कौन है। फ्रैंकली भैया देखो सामने है। अबे यार मुझे तो कोई भी नहीं सामने दिखाई दे रहा, तू मेरे ख्याल से दिमाग खराब कर, तू मेरा तू बेखामी मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं जा रहा हूँ सिमचैन को ढूंढने के लिए।